संविधान दिवस पर न्यायिक अधिकारियों ने दिलाई शपथ। कामा में संविधान दिवस के अवसर पर न्यायिक अधिकारियों द्वारा तालुका कामा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। न्यायालय के लिपिक संतोष कुमार दुबे ने बताया कि संविधान दिवस के अवसर पर कामा तालुका में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम प्रातः न्यायालय परिसर में न्यायालय अधिकारीगण मनोज कुमार निमोरिया अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कामा की अध्यक्षता में मनाया गया, जिसमें न्यायिक अधिकारी रमेश करारिया, अपर लोक अभियोजक शरीफ खान सहित कर्मचारी एवं अधिवक्ता गण द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा मूल कर्तव्यों का शपथ पूर्वक पाठन किया गया। इसी क्रम में चलते हुए दोपहर को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार निमोरिया द्वारा कस्बा के रविन्द्र परमार बीएड कॉलेज में विद्यार्थियों एवं कॉलेज के स्टाफ को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कामा में सिविल न्यायाधीश न्यायिक अधिकारी रमेश कराड़िया ने पहुंचकर भारतीय संविधान के प्रस्तावना तथा मूल कर्तव्य का शपथ पूर्वक पाठन कराया गया। इसी क्रम में अधिवक्तागण पैरालीगढ़ वॉलंटियर्स द्वारा भी अलग अलग विद्यालयों में जाकर करीब 28 विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर शपथ दिलाई गई। इसी प्रकार कुल 29 विद्यालय व एक महाविद्यालय में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां करीब 4500 बच्चों को संविधान की प्रस्तावना तथा मूल कर्तव्यों की जानकारी दी, साथ ही शपथ भी दिलाई गई। इस क्रम में राजकीय माध्यमिक विद्यालय कामा उपखंड अधिकारी बनवारी लाल शर्मा, विद्यालय के प्रधानाचार्य मुकुट बिहारी लाल शर्मा सहित विद्यालय का स्टाफ भी मौजूद रहा। भारतीय संविधान का एक इंट्रोडक्शन है, हमारी क्या आकांक्षाएं और जो अपेक्षाएं, तो पूरे संविधान का एक परिचय, उसकी एक आत्मा के रूप में प्रस्तावना है और ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो भारतीय नागरिकों को हमारे क्या राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या हैं, नैतिक जो कर्तव्य हैं उनके बारे में क्या नाम बताते हैं। तो इसके आगे जो अभी जो कैलेंडर तैयार हो रहा है, तो पूरे वर्ष भर 26 नवंबर 2020 तक आगे भी इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। तो आप सभी ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।